नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण प्रभाग क्रमांक 11 मधील हा बरकतपुरा गल्ली नंबर 16 व 17 या ठिकाणी आलेले आहेत। या ठिकाणी आपण लोकांची प्रतिक्रिया घेणार आहे। इथं मस्जिद आहेत, या नेकलेस रोड टिपू सुलतान रोडवर एक मस्जिद आहे। त्या मस्जिदाला जाण्यासाठी लोकांना त्रास सहन करावा लागते आणि तसेच घाण जे पाय असतो ते मस्जिदमध्ये घेऊन जातात आणि लोकांची कशी प्रतिक्रिया आहे, त्यांचं काय म्हणणं आहे ते सुद्धा आपण जाणून घेणार आहे। या ठिकाणी लोकप्रतिनिधीचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष अशा पद्धतीने की नांदेड शहरात अमर राजूरकर यांनी सांगितले होते की येणाऱ्या 6 महिन्यामध्ये आम्ही प्रत्येक ठिकाणी काम विकास काम करू, परंतु हा 6 महिने कोणते आहेत हे लोक विचारता। बेंगलोर नाका या भागात का विकास कामे झाले नाही असे लोकांचे प्रश्न आहेत। या निवडणुकीच्या उमेदवारांना धड शिकवल्याशिवाय राहणार नाही असं सुद्धा देखील पाहायला मिळत आहेत। नांदेडहून मी शेख आहे, माझा महाराष्ट्र। 11 साल हो गए, मैं 11 साल से देख रही यहाँ पर खड्डे, नालिया, पानी, कचरे जिसके उसके घर के सामने, खड्डे जिसके उन घरों में बनाना, अपने अपने खड्डे सामने रख लेके पानी भरना, फिर यहाँ कचरे बोले तो दुनिया भर के है, बच्चे बीमार पड़ रहे, बड़े जितने भी बड़े हैं हमारे घर में, बुजुर्ग का घर दवाखानों में जाने के लिए परेशानी, आटू घर तक नहीं आता। हाँ, दवा परसों के दिन हमारी खाला जान है ना गिर गई, कौन लेके जाना, बार बार दवाखानों में तकलीफें आ रही है, सड़का नहीं बन रही, काउंसलर आके चले जाते, सबको हमारे यहाँ दरियाफ करते, हमारा दुख दर्द बताते, सुनते चले जाते, इलेक्शन आए तक के बोलते, बनाते करते कुछ नहीं बनाते, कोई फर्क नहीं पड़ा, पूरा भर के वैसे चले गया। जिसके उन घरों के सामने देखो उकंडे कितने बड़े वाले, देखो वो भी देखो, वीडियो बनाओ उसका भी वीडियो बनाओ, कितने बड़े बड़े उकंडे हो गए उनके वजह से ना, छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां हो रहे, डेंगू हो रहा, मलेरिया हो रहा, हर चीज़ हो रही, बुखार आ रहे, बड़ों को भी है ना बीमारियां आ रही, कहाँ जाना, किसके पास जाना, किसको बोलना, हमारी दरिया कोई नहीं सुन रहा यहाँ पर। क्या तो महिलाओं के अंदर क्वालिटी बढ़ गया, कई की क्वालिटी है, कचरे की, क्या नालियों की, सड़कों की, क्या पानी होगी, बताओ मुझे ना, सड़क बनने वाले ना नालियाँ बनने वाले, बड़े बड़े बिल्डिंगा बना दिए, कोई किसी को बोलता नहीं, बताता नहीं, किसको बताना, बड़े लोग आके बोलते नहीं, कभी पूछते नहीं, सड़कों पर आके देखते नहीं, किसको बोलना हमारा दर्द, बताओ। मेन सड़क है वो भी खड्डे पड़े वाले, आड़े टेढ़ा तो जाते, ऑपरेशन वाले तो आड़े टेढ़े होकर गाड़ी से लेके जाते, वो रोड पे लेके जाके छोड़ देते, वहाँ से आते तो आते आते गिर जाते, किस सिर्फ देखते, बस इलेक्शन आए बना के देते, सब करते, कोई सुविधा नहीं, कोई ना हमारे को, कोई ना हमदर्दी नहीं, कुछ नहीं, क्या अभी नल आ देखो 4 दिन को 8 दिन को आ रहे, किसको बोलना, वैसे बोरों को कभी पानी सूख जाता, धूपकाले में नलों को पानी आते 4 दिन को 5 दिन को आता, किसको बोलना, वैसे चला रहे, काउंसलरों को फोन लगाए तो उठाते नहीं, किसको बोलना अभी हमने, बताओ तुम मुझे। बरसात में नहीं, साल के 12 महीने ये परेशानी है हमारे को, कचरों की, कचरे के मंडे आते नहीं, गाड़ियाँ आते नहीं, जिसके पास उन्होंने आते मुंह देख के काम चल रहा, बस बाकी कुछ नहीं है, अभी हमने कहाँ से मुंह दिखाना हो जिसकी वजह से हमारे काम करके जाना लोगों ने, बताओ तुम मुझे, पूरा गंदगी का बाजार चल रहा, बाकी कुछ नहीं, अली ना नमाजों को भी वैसे चिकड़ों में जाना पड़ता, पैचों पूरे चढ़ा के जाना पड़ता, नमाज के कपड़े रहते बेचारों के, नहा धो के जाके अल्लाह की इबादत के वास्ते जाते, वैसे चिकड़ों में जा रहे, मगर कब सुनना, कौन ने सुनना हमारा, बताओ, नहीं बन रहे नाला, नहीं बन रहे कचरों के ना, वो गाड़ियाँ नहीं आते नगर पालिका के, घंटी बजाने वाले, पूरा कचरा हमारे गेट के सामने, छोटे छोटे बच्चे हैं, खेलते गिरते पड़ते, किसको बोलना, आपस में आस पड़ोस वालों को बोलेंगे तो जिसके उन्होंने खड्डे बना ले घर के सामने, घर में पानी पजार रहा, घर का पानी पी रहे, ऐसी बात हो गई। उधर के अच्छे ना, वो क्वालिटी वाले लोग उधर के ना, उधर आप देखो ये अपने ब्रिज के उधर आगे महबूब नगर में, वहाँ पर इतना एरिया ना सलम एरिया है, वहाँ पर रह के वहाँ पर सड़क है, बड़े बड़े नालियाँ बन गए, डेनिस लाइन बन गया, यहाँ इतना अच्छा रह के यहाँ पर नहीं, क्यों मुस्लिम एरिया है बोल के नहीं बना रहे क्या, मुझे तो ये लगता, फिर यहाँ पर जातवादी का मामला हो गया, फिर वहाँ पर अच्छे कम है ना बस्ती वाले लोग हैं, कम इस्ती वाले लोग हैं, तो उनको वहाँ पर अच्छी क्वालिटी का दिया, हर चीज़ मुहैया है वहाँ पर, यहाँ अच्छे लोग रहने के बाद भी बड़े बड़े बिल्डिंग रह के यहाँ पर कोई मुहैया नहीं, क्यों नहीं है, मगर खाली है ना, वरना जमीनों की क्वालिटी बना दिए, सड़कों की नहीं, नालियों की नहीं, कचरे की नहीं, पानी की नहीं, कई चीज़ की सुविधा नहीं है यहाँ पर, गंदगी है यहाँ पर, बहुत बच्चे गिरते, हम लोग बड़े बूढ़े लोग गिरते, दवाखाने से आते आते ठोकरा खाना पड़ता, अंधेरा है इतना, बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी, कचरा तो हर जगह पे पड़ा हुआ है, पूरे गलियों के अंदर कचरा पड़ा हुआ है, हमारे घर के सामने दुनिया का कचरा पड़ा हुआ है, बहुत तकलीफ है ना यहाँ, पानी की तकलीफ है, ये जानवर की तकलीफ है, रोड नहीं है, नाला नहीं है, हाँ बुखार आते, मलेरिया हो जा रहा बच्चों को छोटे छोटे, हमेशा अच्छे ही ऐसा, हमेशा से बरसात में तो ज़्यादा छू जाता, साफ सफाई कुछ नहीं आते, कौन आ रहे हैं, साफ सफाई कुछ नहीं आते, फिर मैं 10-5 साल पहले से ही देख रहा हूँ कि ऐसी ही तकलीफ है, हर बरसात में ये तकलीफ है, कुछ ठीक हुआ नहीं है अभी तक, कुछ नहीं, बहुत परेशानी है के लोग, जाने आने को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, अभी कल की जो बारिश हुई थी उसमें तो इतना हाल हो गया था कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था लोगों का, इतना तकलीफ हो गई थी, क्या बोलेंगे अब, जानवर भी है, सब कुछ है यहाँ पर, कोई देखने वाला नहीं है ना, अब लोगों की तकलीफ कौन सुनेगा आप, नांदेड़ में विकास चालू है पर ये एरिया में नहीं है, क्यों ये एरिया को छोड़ दिया वाला है क्या,
रिपोर्ट के लिए आते हैं और बाकी दूसरे कामों के लिए नहीं, ऐसा थोड़ी रहता है। आना चाहिए, उनका काम है, उनको ही देखना चाहिए ना। अब वो आते नहीं है, जुम्मे के दिन भी जा रहे हैं समझो नमाज के लिए तो पूरे कपड़े ख़राब हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। कॉरपोरेटर का जिम्मेदारी है ये आके देखना, पर वो तो ये कार नहीं रहे। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो पता नहीं अब आएंगे नहीं आएंगे उसका। अभी पे रहते हैं मतलब कि नालियाँ जो भी है, नालियों का पानी सबके घरों में से निकलता है, ऐसे ही रोडों पे से ही जाता है रोडों पे से। अभी स्कूल तो अभी तक चल नहीं थे, जब स्कूल चालू हुए पूरे बच्चे जब जाते आते तब स्कूल में से नालियों में से ही जाना आना पड़ता है। अभी पूरा पानी जो है सो पूरा बारिश के पानी में पूरे खड्डों में पानी जमता है, आने जाने की भी तकलीफ है। और जो मस्जिद को जाते टाइम भी बहुत प्रॉब्लम होती है, जिस जितना है सो वही है, रोड पे से जाना है तो पानी से जाना है, बच के जाना है, कपड़े ख़राब होते हैं, फिर वो जैसे बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पे जाने के वास्ते। और उसके साथ साथ पानी जो है कि नहीं, बारिश का खड्डे रहने की वजह से पानी जमता है, मच्छर इतने हैं, मच्छर, और हर दो महीने चार महीने में मच्छर की बच्चों की तबीयत भी ख़राब होती है। इसके अंदर कचरों के वाले के तो मैं अभी तक जब आया अभी तक तो कभी देखा नहीं कि कचरे वाले आए साफ़ सफाई करे, नाली साफ़ करे गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। तो बदजनौर जो आते हैं वो बदजनौर के वजह से तो इतने प्रॉब्लम होती है, वो इतने ये नाली जहाँ पे है वहाँ जो जितना गंदगी है वहाँ पे बदजनौर सबसे ज़्यादा, उसकी वजह से बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रही है की वही बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रही है। आप क्या है जो कि ऐसे रोड कम से कम पानी जो गंदगी है, गंदगी के वास्ते कम से नाली तो बनना चाहिए। नाली अगर ड्रेनेज लाइन का तो इतना है, मगर नाली तो अगर बनती है तो कम से कम सबके घरों का पानी जो है सो नालियों में से तो ही जाएगा। नालियों में से जाएंगे तो रोड तो गंदे नहीं होंगे, रोड तो ख़राब नहीं होंगे, आने जाने को तो प्रॉब्लम नहीं होंगी। गड़े में जमा होता है ये, आते जाते वक्त जो है तो बहुत तकलीफ है, परेशानी है, नमाजों को आने के लिए दिक्कत है इधर मस्जिद में। मस्जिद के एतबार से मस्जिद का अच्छी है, बाजू गली का भी वो हाल है है कि नहीं, सफाई तो बार बार बोल के थक जा रहे हैं। कौन है यहाँ पे, क्या है, कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पे, नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, पुरसाने हाल कोई भी नहीं है। निकलीस रोड पर जो मस्जिद है वो मस्जिद को आने के लिए तकरीबन 1.5 फीट पानी जम गया, अंदर दाखिल नहीं हो सक रहे मस्जिद में। हम यहाँ खड़े हुए हैं मस्जिद के गेट के सामने, ना बाहर जा सकते ना अंदर आ सकते। इधर से मशरक़ की तरफ से भी वैसा ही है और मगरिब की तरफ से भी वही हाल है। ये स्कूल के सामने कपड़े बचा के ऊपर कितने भी उठाएंगे कपड़े आप, हाँ। तो आपके कपड़े भीगेंगे और पैर भी, और गंदगी है उसमें, चारों तरफ के प्लाट की गंदगी वो पानी में है। ये तहारत बाकी नहीं रहती उससे, हाँ। गंदगी से तो वो पानी साफ करना चाहिए, कोई देखने वाला पुरसाने हाल नहीं। हर बारिश में ऐसा ही है, यही हाल है, एक ही परेशानी है। हाँ, ये जो बनाए थोड़ा बहुत ये रोड हमने काउंटर पेशन करके बनाए। तुमने खुद के पैसे? हाँ। कैसा करे? कोई 100 रुपये दिया, 1000 दिया, 200 दिया, जैसे इसके हिस्से तो उन्होंने दिए। उसके बावजूद भी पानी बहुत आ रहा, ड्रेन नहीं है, नालियाँ नहीं है, ये पाइप लाइन कहीं पानी आ रहा कहीं नहीं आ रहा, बहुत परेशानी है। छोटे बच्चे स्कूल में जाना मुश्किल है, बुरे जानवर आ रहे उनको काट रहे, कुत्ते आ रहे काट रहे, इसलिए बाहर नहीं निकल सकते। पानी है नहीं और ये पूरी गंदगी यहाँ है, नगर पालिका के लोग आ रहे नहीं, कुछ नहीं, 3 सालों से ऐसा है, अरे नहीं। इसकी वजह से मच्छर ये बहुत सारे हो रहे थे। एक दो बार उन्होंने बोले इतनी जल्दी भी क्या है, तो कितनी करेंगे करेंगे बोले। कब किसको मिले थे आप? हमने वो शेर अली है, मसूद सेठ है, इनके पास गए थे एक दो बार, सब कमेटी मिल के गए थे। तो कोई भी आने तैयार नहीं, देखने को तैयार नहीं। मस्जिद को कैसे जाते नमाज? मस्जिद को जम मार के यहाँ से वो जो टूट जाते वहाँ जाके बनाना पड़ता, गंदे कपड़े होते, एक कपड़े साथ में लेके जाना पड़ते, हाँ वहाँ बदल क्या करें, मजबूरी है। आता अपने दुचाकीला सजवा फैंसी स्पेयर पार्ट, नवनवीन डिजाइन चे फैंसी LED, फैंसी मीटर, हैंडल वेट लाइट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हैंडल वेट मीटर, फैंसी लीवर, LED पट्टी, टू व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिजाइन चे फैंसी पार्ट मिलने चे एकमेव ठिकाण, एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाइल हिंगोली गेट नांदेड।